हेलो स्कॉलर्स, आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल हाइड्रो पावर सेक्टर से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस की। हर क्वेश्चन के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ एडिशनल डेटा जो कि आपको हेल्प करेगा अगर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ ट्विस्टेड तरह से। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर जनरेटिंग हाइडल प्रोजेक्ट। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, यमुना, सतलुज, ब्यास या फिर रावी। तो आंसर तो वही हो सकता है जो सबसे बड़ी नदी होगी उसी का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, एंड द राइट आंसर इज सतलुज। तो ये जो 25% नेशनल हाइडल पावर जो पोटेंशियल है वो है इस नदी के पास, और इस वक्त 27,436 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इससे जनरेट हो रही है हिमाचल में। तो सिर्फ अभी तक 10,519 मेगावाट ही अभी तक हार्नेस हुई है, और 7.6% हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के कंट्रोल में है ये, और बाकी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लॉइट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज रिलेटेड विथ चेनाब रिवर? किलार, शिशु, थरोट या ऑल ऑफ दीज? और सही उत्तर है इसका ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो हैं वो चेनाब से रिलेटेड हैं। चेनाब आपको पता होगा ये फॉर्म होती है चंद्रा और भागा नदियाँ जब मिलती हैं लाहौल डिस्ट्रिक्ट में। जो भागा है वो सूरजताल से ओरिजिनेट होती है, और जो चंद्रा रिवर है वो ओरिजिनेट होता है चंद्रताल के ग्लेशियर से। और जो बारालाचाला पास है ये एक वाटर डिवाइड एक्ट करता है चंद्रा और भागा रिवर्स के बीच में। ये वाला हमने डिस्कस किया था रिवर्स वाली वीडियोस में भी, तो डिटेल आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स इज अंडरटेकन बाय NTPC? तो बैरासियूल, चमेरा, कोल डैम या पार्वती? राइट आंसर है कोल डैम। तो जो कोल डैम है ये सतलुज रिवर में है और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। 800 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था 5 जून 2000 में। इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 14 जनवरी 2004 में। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज ऑफ वाटर द लॉन्गेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया इज? इंदिरा सागर, नाथपा झाकड़ी डैम, भाखड़ा नंगल डैम या पोंग डैम? तो सही उत्तर है इंदिरा सागर डैम। इंदिरा सागर डैम ये एक मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, और ये है नर्मदा रिवर पे मध्य प्रदेश में। इसका फाउंडेशन स्टोन जो है जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने रखा था 23 अक्टूबर 1984 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें नोट करके रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा डैम पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन चंबा, शिमला, कुल्लू या किन्नौर? ये थोड़ा लर्न करने में भी इजी है क्योंकि चमेरा और चंबा जो हैं वो थोड़े सिनोनिम्स से हैं, सिमिलर साउंड करते हैं। सो द राइट आंसर इज चंबा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये NHPC लिमिटेड ने NSNCACRES कनाडा की इन दोनों ने कोलैबोरेट करके बनाया था। ये रावी रिवर पर है। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट मैच। इनमें से डैम्स के नाम दिए गए हैं और सामने रिवर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा जो बांध है वो सही नदी से मिला हुआ है। तो गो थ्रू कीजिए, देखिए ज़रा इनको, और जो राइट आंसर है वो है पोंग डैम। ब्यास रिवर पर है ये। पोंग डैम को कहा जाता है महाराणा प्रताप सागर भी, और ये हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम है इंडिया में। ये ब्यास नदी पे है, और जो इसकी सेकंड फेज की कंस्ट्रक्शन थी वो शुरू हुई थी 1961 में और कंप्लीट हुई थी 1974 में। ओके, नेक्स्ट, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर, एंड द राइट आंसर इज 2005। इसका एम था उन इलाकों को, उन विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के
रह रहे थे लोग। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू नाथपा झाकड़ी डैम फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चार स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको ध्यान से देखना है क्योंकि एक आधे वर्ड का ही थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ऐसे क्वेश्चंस में आमतौर पर। तो फर्स्ट है, द डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलुज रिवर, एन जे एच पी एस इज लोकेटेड ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ वांगटू ब्रिज। एन जे एच पी एस मतलब नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। नेक्स्ट, नाथपा इज इन शिमला एंड झाकड़ी इज इन किन्नौर और कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम बिगैन इन 2004। सो द राइट आंसर इज ओनली द फर्स्ट वन, द डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन सतलुज रिवर। अब इसके जो ऑप्शंस थे उनको आप देखिए कैसे थोड़े बहुत आगे पीछे किए गए हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द डाउन स्ट्रीम ऑफ वांगटू ब्रिज, हमने वहाँ पे पढ़ा कि अपस्ट्रीम था लेकिन ये है डाउन स्ट्रीम में। इट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम नेम्स ऑफ टू विलेजेस इन द प्रोजेक्ट विसिनिटी। जो ये नाथपा है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है और झाकड़ी जो है वो शिमला में है और दोनों के नामों को मिलाकर इसका नाम नाथपा झाकड़ी रखा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज मैक्सिमम शेयर इन हार्नेस्ड हाइड्रल पावर पोटेंशियल। ये अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपको आंसर पता चल गया होगा, तो आंसर है सेंट्रल। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एच पी एस सी बी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 अक्टूबर 1975 या 1 सितंबर 1971 या 1 सितंबर 1975 या 1 अक्टूबर 1980। तो राइट आंसर इज 1 सितंबर 1971। तो ये रीऑर्गेनाइज हुई थी एज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड कब से, 14 जून 2010 में अंडर कंपनी एक्ट ऑफ 1956। तो ये जो एच पी एस ई बी है ये 7 मेंबर्स को इंक्लूड करती है इंक्लूडिंग अ चेयरमैन और उनको मिलाकर फुल बोर्ड इसका तैयार होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।